नमस्कार दोस्तों, आलम मिस्त्री यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक स्मार्ट डिवाइस, फ्रेंड्स इस स्विच को आप दुनिया का किसी भी कोने से ऑपरेट कर पाओगे और उसके लिए आईआर ब्लास्टर का भी जरूरत नहीं है और एलेक्सा का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसीलिए ये स्मार्ट स्विच मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके प्राइस भी बहुत ही कम है। नॉर्मल टिकटॉक स्विच आपका जितना जगह लेते हैं, ये उससे आधा जगह में पूरा कवर कर देगा। ये प्रोडक्ट ऐसे पैकेजिंग में मिलता है, दो टाइप का कलर मिलता है, व्हाइट एंड ब्लैक। कंपनी मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग खुद ही करता है। ये स्विच 1 ईयर वारंटी के साथ हमें मिलता है। ये स्विच में कितना सारा फंक्शन है सब लिखा है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं ओपन। ये स्विच देखने भी बहुत अच्छा है, इसका ऊपर ग्लास लगा हुआ है और इसमें आप 4 लाइट या फैन यूज कर सकते हो। इस यूजर मैनुअल को देखे आप सारे कनेक्शन कर सकते हो। इसको आप नया बोर्ड में भी लगा सकते हो। आपका पुराना बोर्ड में ये स्विच हटा के हमारा ये स्मार्ट स्विच अब लगा सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना है, रोमा टाइप का स्विच फिटिंग होना चाहिए। हमारे इंडिया में लगभग हर एक बोर्ड रोमा टाइप का ही होता है। मार्केट में बहुत सारा कलर अवेलेबल है और इसका बहुत सारा स्टाइल भी अवेलेबल है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं 4 होल्डर ले लिया और इस 4 होल्डर का न्यूट्रल लाइन कॉमन कर लिया। अब फेस लाइन को स्विच के साथ कनेक्ट कर लेंगे, जिस हिसाब से इधर लिखा हुआ है उस हिसाब से कनेक्शन कर लेंगे। अभी हो गया मेरा कनेक्शन कंप्लीट। अभी टेस्ट करके दिखाते हैं। इसमें पावर सप्लाई दे दिया और ये टच स्विच हमारा बिल्कुल हल्का से टच करने में काम हो रहा है। और ये टेस्ट करने के लिए एक एक होल्डर में एक एक बल्ब लगा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा से काम कर रहा है। अब सुन सकते हो इसको ऑन ऑफ करने में एक आवाज आ रहा है। ये बहुत अच्छा चीज है। और इनका एक एप्स है होममेड नाम से, इससे हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको हम ओपन करके देखते हैं। एग्री में क्लिक कर लेंगे। पहले से आपका अकाउंट है तो लॉगिन कर लेना, नहीं तो साइन अप करना। इसमें ईमेल आईडी से अकाउंट खोलना होगा। मेल में ओटीपी जाएगा, उसको कॉपी करके पेस्ट करना। इधर कुछ भी एक पासवर्ड डालना है, फिर डन में क्लिक करना है। इसमें गो टू ऐप में क्लिक करना है, ऐड डिवाइस में क्लिक करके हमारा ये डिवाइस ऐड कर लेंगे। जो जो मांगेगा वो हम दे देंगे। पहले स्विच को रिसेट कर लेंगे, नहीं तो कनेक्ट नहीं होगा। अभी एक स्विच को 5 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा। ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये रिसेट हो गया। ऐड में क्लिक करेंगे, ये 4 स्विच मेरा आ गया, इसे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम वाईफाई का नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो हमारा ये स्विच डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो गया। अब डन में क्लिक कर देंगे। ये स्विच मेरा मोबाइल में आ गया और इसको मैं दुनिया का कहीं से भी ऑपरेट कर पाएंगे। देखिए कितना अच्छा से काम कर रहा है। इसको हम टाइमर भी लगा सकते हैं। चलिए ये भी टेस्ट करके दिखाते हैं। कितना बजे टाइमर को ऑन करेंगे वो भी कर सकते हैं और किस दिन में करेंगे वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हम टाइमर ऑन कर दिया, 12:56 में हम टाइमर लगाया, देखना उसी टाइम हमारा लाइट ऑन हो जाएगा। देखिए उसी टाइम में मेरा लाइट ऑन हो गया। ये स्विच का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसका प्राइस है 1399।